हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑफ एक्सरसाइज 1A। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है? राइट ईच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो इन द सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए स्टूडेंट, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? मैंने बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? किसी भी स्टेटमेंट का जो आंसर होता है वो हमारा रोस्टर फॉर्म होता है। कोई भी स्टेटमेंट होता है तो वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। जैसे कुछ भी दिया रहता है कि x such that x equal to n belongs to natural number, तो वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। वो एक स्टेटमेंट बन गया स्टूडेंट, और उसका जो आंसर हम निकालेंगे, जो सॉल्व हम करेंगे, तो वो रोस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कि ये रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो इसको हम स्टेटमेंट लिखना है कि मतलब अगर ये क्वेश्चन होता है, इसका अगर इसका क्वेश्चन आता तो वो कैसे होता। जो क्वेश्चन होता है उसी को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा। फर्स्ट दिया हुआ है ए इजकल टू वन, वन बाई फोर, वन बाई नाइन, वन बाई सिक्सटीन, वन बाई ट्वेंटी फाइव, वन बाई थर्टी सिक्स, वन बाई फोर्टी नाइन। तो देखिए स्टूडेंट, वन है तो वन को हम वन बाई वन लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सब फ्रैक्शन है तो इसको हम फ्रैक्शन कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, वन बाई फोर है, ये सब क्या है? सब स्क्वायर रूट में है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, फोर किसका स्क्वायर रूट? टू का होता है, नाइन थ्री का होता है, सिक्सटीन फोर का होता है, ये फाइव का होता है, ये सिक्स का होता है, सेवन का होता है। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट की इसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। ठीक है, तो वन बाई टू का होल स्क्वायर, टू का स्क्वायर, वन बाई थ्री का स्क्वायर, वन बाई फोर का स्क्वायर, वन बाई फाइव का स्क्वायर, वन बाई सिक्स का स्क्वायर, वन बाई सेवन का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सर, इसको अगर इसका क्वेश्चन आता तो हम क्या करते हैं। तो देखिए सर, इसमें हो जाएगा कि x such that x belongs to, अब देखिए स्टूडेंट क्या बन गया, ये वन बाई एन स्क्वायर। ठीक है, सब देखिए स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, वन बाई, अब देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं वन का स्क्वायर। ठीक है, वन बाई वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्या बन गया, यहाँ पे हमने क्या ले लिया स्टूडेंट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन को एन ले लिया हमने। ठीक है, तो वन बाई एन स्क्वायर हो गया, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन स्क्वायर इस फॉर्म में है। ठीक है, और यहाँ पे एन बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर, वन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वन से ये स्टार्ट हो रहा है, तो वन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। जो नंबर वन से स्टार्ट होता है वो नेचुरल नंबर होता है, अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो वो होल नंबर हो जाता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, एन जो है वो कहां से कहां तक बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, एन हमने क्या लिया था, वन लिया है हमने, एन की वैल्यू हमने क्या लिया स्टूडेंट, जो नीचे वाला पार्ट है उसको हमने एन लिया है स्टूडेंट, वन का हम एन लिया है, एन का स्क्वायर लिया, मतलब वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर, सेवन का स्क्वायर लिया हमने। ठीक है, तो देखिए सर यहाँ पे एन क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है। ठीक है, तो एन की वैल्यू कहां से कहां तक है, वन से है, वन और सेवन के बीच में है, और वन और सेवन को भी लिया हमने। ठीक है, तो एन की जो वैल्यू है वो क्या है, वन से बड़ी है, वन से बड़ी भी है और वन के इक्वल भी है। ये हो जाएगा वन से बड़ी है एन की वैल्यू, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सेवन के वन से बड़ा है और वन के इक्वल है, मतलब वन भी है। ठीक है, और किसके बीच में, सेवन से छोटा है और सेवन, सेवन से छोटा है और सेवन भी है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया स्टेटमेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए बी वाला ए इजकल टू, ये बन गया। अब देखिए स्टूडेंट बी वाला, बी इजकल टू वन बाई टू, टू बाई फाइव, थ्री बाई टेन, फोर बाई सेवनटीन, फाइव बाई ट्वेंटी सिक्स, सिक्स बाई थर्टी सेवन, सेवन बाई फिफ्टी। अब देखिए स्टूडेंट, पहले इसको हम चेंज करते हैं, बी इजकल टू वन बाई टू। अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या कह रहा है, तो देखिए स्टूडेंट अगर हम एन की वैल्यू वन टू, एन की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन लेंगे। ठीक है, एन की वैल्यू हमने सेवन लिया, एन की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन लिया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट अगर हम इस फॉर्म में लेंगे स्टूडेंट, अगर एन की वैल्यू ये लिया हमने, ठीक है, और देखिए स्टूडेंट वन को जब एन प्लस वन, ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट एन की वैल्यू हमने वन लिया और एन को जब स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है,
वन के स्क्वायर वन होता है और प्लस वन, तो ये क्या आ जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। अब देखिए अगर हम टू बाई फाइव लेंगे स्टूडेंट, तो अगर हम एन की जगह टू लिखेंगे स्टूडेंट और यहाँ पे एन का स्क्वायर करेंगे, एन की जगह क्या लिया, टू लिया है, टू का स्क्वायर टू टू फोर, फोर प्लस वन फाइव, टू बाई फाइव आ रहा है, थ्री बाई टेन भी आएगा, एन की जगह थ्री, यहाँ पे थ्री थ्री नाइन प्लस वन टेन, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, सच डैट हो गया। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एन स्क्वायर प्लस वन, वन से स्टार्ट है नेक्स्ट, एन की वैल्यू क्या लिया हमने, वन लिया है, टू लिया, थ्री लिया है, फोर लिया, फाइव लिया, सेवन लिया, तो वन से स्टार्ट है, तो वन हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर है, तो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, और एन की वैल्यू किसके किस बीच में है, एन की वैल्यू किस वन और सेवन के बीच में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन से बड़ी है और वन भी है, और सेवन से छोटी है सेवन भी है। सो स्टूडेंट ए और बी हमारा कम्प्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया हो। सो स्टूडेंट अगर समझ में नहीं आया स्टूडेंट तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या आता है, किसी भी, तो देखिए स्टूडेंट आप रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म को अच्छे से पढ़े, सेट बिल्डर फॉर्म को क्वेश्चन जो होता है उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट सेट बिल्डर फॉर्म को आप, ये चीज है, ये क्या है, स्टेटमेंट है, तो ये हमारा क्या हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म हुआ, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से ध्यान से देखिए स्टूडेंट कैसे दिया हुआ है, देन आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। सो स्टूडेंट अगर समझ नहीं आएगा तो स्टूडेंट फिर मुझसे पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।